हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको सिर्फ स्वीट डिश वगैरह देखने को मिलेंगी जो कि होली में मैंने बनाई हुई हैं। क्या क्या बनाया है सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे एक तरीके का ये डो लगा के रखा है, ये ऐसे का डो है, हेरसा बोलते हैं जिनको। तो ये मैंने चावल का आटा लिया है, इसमें गरी बुरादा डाला है, चीनी डाला है, इलायची पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको सेट करने के लिए रख दिया था। ये थोड़ा सा भी थिक है, इसको थोड़ा सा और अभी हमें लिक्विडी करना है, ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है, इस फॉर्म में करना है कि इसके पेड़े जैसे बन जाएँ। तो बस इसको एक साइड रख दिया है। यहाँ पे देखिए मैंने खोया लिया था, तो खोया आया था, 2 kg खोया है ये, तो मैंने इसको कद्दूकस करके रख दिया है। इसको मुझे कलहारना है क्योंकि कलहारने से ना खोया में अच्छी सी खुशबू आ जाती है, और जब भी हम अपनी गुजिया वगैरह या जो भी चीज़ बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है उसका, और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, सौंधी सौंधी सी। तो इसको मैं कलहार लूँगी क्योंकि जब हम मार्केट से खोया वगैरह लेते हैं ना, तो वो उस इतना अच्छा नहीं रहता है कि जिससे कि हम ज़्यादा दिनों तक इसको यूज कर सके। तो मैं इसे कलहार के रख दूंगी, तो इससे क्या है ना कि आप 4-5 दिन तक खोया रखा रहेंगे तो ख़राब भी नहीं होगा आपको खोया, आप अच्छे से यूज भी कर लेंगे। तो यहाँ पे खोया को देखिए कद्दूकस कर ही दिया था मैंने, और बस नहा लिया था और घर के काम तो हो ही गए थे सारे, और बस इसके बाद में आज बस यही काम है मेरा कि जो भी होली में मिठाई वगैरह जो भी कुछ बनना है सब आज ही मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तो थोड़ी सी डीप कढ़ाई ली है मैंने यहाँ पर, और बस ये खोया मैं इसमें ही कलहारूंगी, और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में ही कलहारूंगी क्योंकि ज़्यादा तेज़ करेंगे ना आज, तो इसमें क्या है खोया जलने का डर रहता है। सो फ्रेंड, चलिए खोए को कलहार लेते हैं, और इसके बाद में बनाऊंगी मैं इसकी स्टफिंग जो भी गुजिया की बनेगी। तो आज मुझे गुजिया बनानी है, और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा लेट मिलेगा, होली के बाद ही मिलेगा क्योंकि मैं होली में ना टाइम ही नहीं है मेरे पास में, होली के बाद में ही ये मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँगी। तो चलिए बना लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड, खोया कलहार के रख दिया है एक साइड, वो ठंडा हो रहा है, तब तक मैंने कढ़ाई रख दी है दूसरी, और उसमें मैंने रिफाइंड डाल दिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ ऐसे, तो किस तरीके से बनते हैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके के शेप में बनते हैं, इस तरीके से जैसे पेड़ा बनते हैं ना छोटे छोटे से, इसी तरीके से बनते हैं ये। और मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, कभी नहीं बनाया, इससे पहले मेरी सासू माँ बनाती थी, मेरी मम्मी बनाती थी, और अब इस बार मुझे बनाना पड़ रहा है। तो बस ये फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, और बनाने जब मैं बना रही थी तो ये बहुत ही अच्छे बनती, मैं डर रही थी कहीं बिगड़ ना जाए,
जाएँ, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छे बने थे, फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे बने। कहते हैं ना, जब मन से कोई काम करो तो वो काम आपका सफल हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए मेरे ऐसे बहुत ही अच्छे बने थे और मैंने फर्स्ट टाइम बनाए और फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे बन गए, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे। क्योंकि ये जो डिश है ना, वो ये बहुत ज़्यादा जल्दी बिखर जाती है जब बनाते हैं, तो इनको बड़े केयरफुली बनाना पड़ता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से बने, और इसी तरीके से बनाए जाते हैं और काफ़ी खुश्क, काफ़ी अच्छे मीठे मीठे से लगते हैं। तो बस ये बना लिए थे मैंने, और यहाँ पे मैं गुजिया का डो लगा के रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी गरम कर लिया था और अपने मैदे में इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, पूरे मैदे में इसको अच्छे से मिलाऊँगी, और मिलाने के बाद में फिर मैं इसका डो लगाऊँगी, और डो लगाने के बाद में फिर बनाऊँगी मैं गुजिया। तो बस आज बस यही सब काम है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर और भी तो काम होते हैं और त्यौहार आ ही गया है बिल्कुल। तो बस इस वजह से यहाँ पे देखिए मैंने डो लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो बस डो लगा दूंगी, उसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी गुजिया की स्टफिंग, जिसको कूर बोलते हैं। हमारे यहाँ तो कूर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने डो लगा के रख दिया, इसको अच्छे से ढक के रखेंगे गीले कपड़े से, जिससे कि ये सूखे ना। और यहाँ पे मैंने ये खोया ले लिया है, थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसको मैंने एक भगोने में ले लिया है, और बस इसको मैं कूर बनाऊंगी इसका। तो इसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए हमें, तो यहाँ पे मैंने बूरा लिया हुआ है, जो चीनी आती है चीनी नहीं ली है, ये बूरा है, ये थोड़ा कम मीठा होता है, हमारे यहाँ थोड़ा कम ही मीठा खाते हैं सभी लोग इसी वजह से। और यहाँ पे मैंने नारियल बुरादा लिया हुआ है, ये कद्दूकस करके मैंने नारियल रखा हुआ था, तो इसको ले लिया है मैंने। और थोड़ी सी किशमिश डालूंगी इसमें, और इलायची पाउडर डालूंगी, और आप जो भी चीज़ डालना चाहते हैं, और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं आप वो डाल दीजिए, मेरे घर में सिर्फ यही ड्राई फ्रूट गुजिया में पसंद करते हैं, तो मैं यही डाल रही हूँ। ये इलायची पाउडर है, मैंने एक खट्टा पीस के ही रख लिया था, आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था पहले मैंने किस तरीके से मैं इन चीज़ों को पीस के स्टोर करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ये सॉल्यूशन बना लिया है, जो हम गुजिया के मतलब चारों तरफ लगाते हैं, जिससे हमारी गुजिया मतलब फटती नहीं है और अच्छे से चिपकी रहती है। तो यहाँ पे देखिए डो बन करके रेडी हो गया है, सारी चीज़ें एक साइड रख दी हैं, और यहाँ पर मैं जा रही हूँ इसकी गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने खोए को इसमें डाल लिया है, बड़े बर्तन में डाल लिया है, और अच्छी तरीके से इसको मैश मतलब मैश करेंगे, मिला लेंगे इसको। और मिलाने के बाद में फिर मैं इसमें चीनी डालूंगी, 2 से 2.5 कटोरी मैं इसमें बुरादा डालूंगी, जो बूरा बोलते हैं उसको, तो वो डालूंगी मैं इसमें। तो उसको डाल के, और फिर मैं इसमें इलायची पाउडर और जो किशमिश है और गरी है जो है, तो बस ये सारी चीज़ें डाल के बस इसको एक साइड रख दूंगी। तो यहाँ पे हमारा कूर बन करके रेडी हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं गुजिया की स्टफिंग। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर डाल दी हैं मैंने, उनको अच्छी तरीके से हैंड से मिक्स करेंगे, क्योंकि चम्मच से इतने अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, तो हैंड तो हमें लगाना ही पड़ता है। बस एक चीज़ होनी चाहिए कि हैंड आपके साफ़ हों, तो आप कुछ भी कर सकते हैं हैंड से। तो बस यहीं पर मैंने मिक्स करके रख दिया, और ये देखिए हमारी गुजिया बन करके रेडी हो गई है, और बस इनको तलना बाकी है। तो बस कढ़ाई चढ़ाऊंगी और बस तलूंगी इनको, और बड़े इनको ना बड़े आराम से और स्लो फ्लेम में ही इनको हमें पकाना होता है, मतलब इनको तलना होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल भी गर्म हो गया है, बस इनको एक एक करके डाल दूंगी मैं, और अच्छे से उलट पुलट करके बढ़िया से सेक लेंगे। ज़्यादा हमें इनको ब्राउन नहीं करना होता है, हल्के ऐसा ब्राउननेस आ जाए जैसे ही, तो वैसे ही हमें इन्हें निकाल। सो फ्रेंड, बहुत सारी गुजिया बनाई थी, क्योंकि गांव भी मुझे भेजना पड़ता है गुजिया, और गांव में बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले आते हैं। तो पहले मैंने गांव के लिए बनाई थी गुजिया, और फिर मैंने यहाँ के लिए बनाई थी जहाँ मैं रहती हूँ, तो इस वजह से ना मेरे पास में बहुत ज़्यादा काम हो गया था, इसी के चलते मैं वीडियो एडिट वगैरह नहीं कर पाई थी, क्योंकि त्यौहारों में तो आप लोगों को पता ही कितने सारे काम होते हैं, और अकेले काम करना कोई मतलब ईजी नहीं है, अकेले जो काम करते हैं। और गुजिया वगैरह बनाने के लिए 2 से 3 लोग चाहिए होते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारी गुजिया बनकर के रेडी हो गई हैं। कैसी लग रही हैं बताइएगा ज़रूर, अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे गुजिया भी बन गई हैं, और ये देखिए मैंने यहाँ पे मटरी बनाई हुई थी, और मैंने नमकीन बनाई थी जो कि मेरे पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरीके की सेव वाली नमकीन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्हीं के लिए मैंने बनाई थी। फर्स्ट टाइम ये भी मैंने ट्राई करी है, वो भी हाथ वाली जो तिकती रहती है उससे मैंने बनाई है ये। तो ये थी कुछ आज की डिश, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक।